अतीक के दो नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज भी प्रयागराज पुलिस ने साफ नहीं किया कि अतीक के दोनों बेटे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। पुलिस बार बार ये बता रही है कि अतीक के दोनों बेटों को उसने बाल संरक्षण गृह भेजा है, लेकिन कौन सा ये बाल संरक्षण गृह है ये बात नहीं साफ रही। अब कोर्ट ने पुलिस को फिर से बुलाया है, जहां 13 मार्च को सारी बात साफ करनी होगी। एक तरफ अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, तो यूपी में अतीक के परिवार को दो नाबालिग बेटों की चिंता सता रही है, क्योंकि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे कहाँ हैं ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है। अतीक के दोनों बेटों को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस दौरान भी ये साफ नहीं हो पाया कि अतीक के दोनों बेटे आखिर कहाँ हैं। कोर्ट के सामने प्रयागराज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया अतीक के दो नाबालिग बेटे 2 मार्च को घर के पास लावारिस हालत में घूमते हुए मिले थे। नाबालिग होने की वजह से दोनों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करवा दिया गया था। आज की रिपोर्ट में भी पुलिस ने ये नहीं लिखा कि दोनों बेटे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। पुलिस की इस रिपोर्ट पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकीलों ने एतराज जताया। CJM कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से फिर से रिपोर्ट तलब की है। अब कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से कहा है कि वो साफ साफ बताए कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे किस बाल संरक्षण गृह में हैं। 13 मार्च को प्रयागराज पुलिस फिर एक बार कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों के कथित तौर पर लापता होने का सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। आज भी इस मामले में तस्वीर साफ नहीं हो सकी, बल्कि ये कहा जा सकता है कि कहानी और उलझ गई है। हालांकि आज प्रयागराज पुलिस ने CJM कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वही बातें दोहराई गई जो 4 मार्च को कही गई थी। प्रयागराज पुलिस ने एक बार फिर से दावा किया कि अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे, जिनके नाम एहजम अहमद और आबान अहमद हैं, वो 2 मार्च को प्रयागराज में अपने घर के पास लावारिस हालत में पाए गए थे। नाबालिग थे दोनों बच्चे, इसलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था। प्रयागराज पुलिस ने आज जो दूसरी रिपोर्ट पेश की, उसमें भी ये साफ नहीं किया है कि दोनों बच्चे किस बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। बता दें कि अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, 2 पहले से ही जेल में हैं, जबकि इस मामले में नामजद असद फरार है, लेकिन बाकी 2 नाबालिग बेटे एजम और अबान कहाँ हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कहीं पुलिस अतीक के दोनों नाबालिग बेटों के जरिए अतीक गैंग पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने 4 मार्च को भी CJM कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि अतीक के बेटों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करवा दिया गया है। उस वक्त भी जगह का नाम नहीं बताया गया था। इस पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने CJM कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनके दोनों नाबालिग बेटे एजम और अबान बाल संरक्षण गृह में नहीं है। अब सवाल ये है कि अतीक के बेटों को लेकर प्रयागराज पुलिस झूठ बोल रही है या फिर माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन। हालांकि इस पर से भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।